सुबह समय करीब 7:15 बजे हमारे को कंट्रोल रूम से मैसेज इतला मिली थी कि JDA सर्किल पर एक एक्सीडेंट हो गया। इस इतला पर हम रवाना होकर वहां पर पहुंचे तो JDA सर्किल पर एक स्कूटी और एक कार का एक्सीडेंट होना पाया गया। दोनों गाड़ियां मौके पर मिली जिनको प्राइवेट क्रेन से उठवाकर हम थाने पर खड़ी करवाई और मौके का मुआयना किया। उसके बाद वहां से रवाना होकर SMS हॉस्पिटल पहुंचे, मजरूब को देखा, मजरूब इमरजेंसी में था जिससे हमने मालूमात करके और उसको भर्ती करवाया, उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल मैं यहाँ SMS में हूँ और इनसे FIR ले लिए जो अब गांधीनगर थाने में जा करके दर्ज करवाए। वेंटिलेटर और दोनों वाहन जो है किस परिस्थिति में, कितनी भयंकर टक्कर थी? दोनों वाहन मौके पर मिले थे, स्कूटी गाड़ी में फंसी हुई थी, आगे से टक्कर मारी है स्कूटी में और करीब 100 मीटर घसीटते हुए ले गए। तो जो कार चालक है वो कौन है और अभी कार चालक का नाम सिद्धार्थ शर्मा मालूम हुआ है और उससे पूछताछ करेंगे, तफ्तीश चल रही है। FIR हाँ, कार कौन सी है सर और कितनी स्पीड पे थी? और ऑडी कार है, अब स्पीड के लिए तो मैं कह नहीं सकता कितनी स्पीड में होगी, बाकी कार तेज गति में होगी, ये स्पीड का कोई कैमरे होंगे तो उसे देखेंगे और CCTV फुटेज में इसके वो ली जाएगी। सिद्धार्थ शर्मा नाम का व्यक्ति था और ये इधर से आ रहा था सिरसी रोड की तरफ से, राजा पार्क की तरफ इसको जाना था, रामबाग से JDA सर्किल की तरफ गाड़ी जा रही थी, उधर से एक स्कूटी वाला आया था गांधी सर्किल से JLN मार्ग की तरफ, तो कार ने स्कूटी की टक्कर मारी, वो बंदा 30 फीट के आसपास उछल के दूर गिर गया था और उसकी स्थिति सीरियस है, वैसे वो अभी इलाज चल रहा है उसका। ये कार चालक कौन सी कार लेकर आ रहा था और कहां से कहां तक आ रहा था, कहां जा रहा था, क्या कार कुछ लापरवाही थी इस पूरे मामले? कार ओडी कार थी, वैसे 6:30 के आसपास ही घटना है, उस टाइम ब्लिंकर पे चलती है तो जाप्ता भी नहीं रहता, उस टाइम जाप्ता हमारा 8 से और नाइट को 10 तक रहता है, तो इनको देख के चलना होता है, इसने शायद देखा नहीं होगा सारा जो भी है। स्कूटी चालक का क्या बैकग्राउंड है, क्या नाम? स्कूटी चालक अभय डागर सनोक रतन चंद जैन है और इसकी उम्र 45 के आसपास है।